गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 का पार्ट 1 मैं आपको करवा रही हूँ। और इस पार्ट का नाम है द वाइज यानी कि बुद्धिमान मैन यानी कि आदमी, उसका नंबर 1 चल रहा है ना। जो बुद्धिमान आदमी, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका पार्ट 1 तो उसका हिस्सा नंबर 1 चल रहा है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए और बुक पेज नंबर 6 यानी कि पेज नंबर 6 पे आ जाइए। और जो येलो बॉक्स में दिख रहा है, पहले मैं इसको पढ़ा चुकी ना, उसमें आपको लेसन का ट्रांसलेट करूंगी, लेकिन उससे पहले सभी अपनी अपनी बुक खोल लो। नंबर 1, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट इज, क्या है बार्टर सिस्टम यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसके बारे में क्या आप जानते हैं। नंबर 2, वेयर यानी कि कब, वाज इट यूज्ड, वाज यानी कि था, इट यूज्ड यानी उपयोग, यह कब उपयोग में लाई गई थी। मतलब अब मैं आपको ये जो पिक्चर दिख रही है ना, उस पिक्चर के नीचे वाला हिस्सा, ये जो पिक्चर है इसके नीचे वाला हिस्सा पढ़ा रही हूँ, सभी अपनी बुक्स में ध्यान दें। वंस अपॉन ए टाइम की बात, ए टाइम की बात है, देयर लिव्ड, रहते थे ए हॉर्स ट्रेनर, यानी कि जो हॉर्स को, जो हॉर्स ट्रेनर की जो घोड़े को ट्रेन करता है वो व्यक्ति वहाँ रहता था इन भोपाल में। वो वक्त उसका काम था फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, यानी कि भोपाल का जो नवाब था उसके वहाँ पर वो काम करता था। किस ने, उसकी पत्नी का नाम वास था, भोला एंड हिज वाइफ, यानी कि हिज ने, उसका नाम था वास भोला, उसका नाम भोला था एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी का नाम था वास शांति, शांति उसकी पत्नी का नाम क्या था, शांति। वेन जब भोला रिटायर्ड, यानी कि जब वो पद से मुक्त हुआ, यानी कि जब वो रिटायर्ड हुआ, द नवाब गेव, नवाब ने दिया ही उसको एक कोल्ट यानी कि एक घोड़े का बच्चा, एंड और सम मनी, और कुछ पैसे दिए, यानी कि घोड़े का बच्चा दिया और कुछ पैसे दिए। वेन जब द कोल्ट ग्रेव, यानी कि जब जो घोड़े का बच्चा बड़ा होगा, टू बी ए हॉर्स, यानी कि जो घोड़े का बच्चा बड़ा होगा, दे फेल्ट दैट इट एट ए लॉट ऑफ फोल्डर, यानी कि वो बहुत अधिक चारा खाएगा, यानी कि जब घोड़े का बच्चा जब बड़ा होगा, उन लोगों ने सोचा कि वो बहुत अधिक चारा खाएगा। सो इसलिए शांति एंड भोला, शांति और भोला डिसाइडेड, फैसला करते हैं टू एक्सचेंज, उसको बदलने का, इट फॉर समथिंग, किसी और वस्तु से, उसको किसी और चीज़ से बदलने का वो फैसला करते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, वो इस प्रकार उन्होंने यह सोचा और आगे की इसकी जो घटना है उसके बारे में आप लेसन पढ़िए। शांति, ये बातचीत सिर्फ भोला और उसकी पत्नी के बीच में हो रही है, तो उसकी पत्नी और भोला की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। शांति, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी यानी कि बहुत, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, टू फीड दिस हॉर्स, यानी कि खाएगा घोड़ा, यानी कि जब ये बड़ा होगा तो बहुत महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, तो मैं क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। भोला, यस, हाँ, इट्स लाइक एन एलिफेंट, या तो एलिफेंट यानी क्या होता है, हाथी, या तो हाथी के समान खाएगा। शांति, इफ़ वी, यदि हम डोंट सेल, इसको नहीं बेचते हैं, तो वी विल बिकम, हम जल्द ही पुअर यानी गरीब, इन ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में, हम जल्द ही क्या हो जाएंगे, कुछ दिनों में गरीब हो जाएंगे अगर हम इसको नहीं बेचते हैं। तो कौन बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है। शांति, सॉरी, बोला, ओ हाँ, यस, हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स, मुझे घोड़ा लेना चाहिए, टू द मार्केट, मार्केट में ले जाना चाहिए, एंड ट्राई टू सेल इट, और इसे बेचने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि मुझे घोड़ा मार्केट में ले जाकर इसे बेचने का प्रयास करना चाहिए। शांति, यस, हाँ, दिस इज ए राइट डिसीजन, राइट यानी कि सही डिसीजन यानी कि फैसला, यह आपका बिल्कुल सही फैसला है। बोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, वो बोल रहा है कि तुम इसके बदले में क्या लेना पसंद करो, कि एक्सचेंज यानी क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब बदलना किसी वस्तु को किसी वस्तु से, या चेंज है ना, तो आप इसके बदले में क्या लेना चाहोगी, कौन पूछ रहा है, बोला पूछ रहा है उसकी पत्नी से, शांति से। शांति, जस्ट एनीथिंग, कुछ भी, दिस हॉर्स इट्स टू मच, लेकिन इस घोड़े के बदले कुछ भी चलेगा। बोला, डू नॉट बी एंग्री, वो बोलता है कि तुम क्रोधित यानी गुस्सा तो नहीं होगी, एंग्री यानी क्रोधित, डू नॉट यानी कि नहीं, तुम गुस्सा तो नहीं होगी, विथ मी, मेरे साथ ही, पाई मे के पुअर बर्गन, अगर मैं इसके अलावा सस्ता सौदा करकर आ जाऊँ तो तुम मेरे, तुम मुझ पर क्रोधित तो नहीं होगी। शांति, है आई यूर कंप्लेन, क्या मैंने कभी टू यू, तुमसे कभी, मतलब किसी बारे में कोई कंप्लेन यानी कोई शिकायत की क्या। बोला, नो, नेवर, कभी नहीं। शांति, यू मस्ट लीव एट वंस, अदरवाइज इट विल बी टू लेट, वो कहती कि तुम यहाँ से जाओ इससे पहले कि तुम लेट हो जाओ, क्या बोलती है वो, कि तुम यहाँ से जाओ इससे पहले कि तुम लेट हो जाओ। बोला,
भोला रिस भोला पहुंचता है मार्केट मार्केट में ही सीज वह देखता है ए मैन एक आदमी को विद डंकी एक डंकी मीन्स क्या होता है घोड़े के साथ में वो उसको एक घोड़े के साथ में एक आदमी को देखता है ही थिंक्स वह सोचता है ए डंकी एक आदमी टू बी मोर यूजफुल देन ए हॉर्स वो सोचता है कि इस घोड़े से ज़्यादा उपयोगी तो गधा है वो इस बारे में सोचता है भोला हेलो हेलो जेंटलमैन बहुत भद्र पुरुष है मतलब जेंटलमैन का अर्थ होता है भद्र पुरुष उससे हेलो करता है विल यू गिव मी क्या तुम मुझे देना चाहोगे युवर डंकी तुम्हारे गधे को इन एक्सचेंज बदले में फॉर दिस हॉर्स इस घोड़े को ले लोगे मतलब वो कहता है कि तुम इस घोड़े के बदले गधे को देना चाहोगे द मेन आदमी ओ अरे वाई नॉट क्यों नहीं यू कैन हैव माई डंकी क्या तुम मेरा गधा ले सकते हो इन एक्सचेंज फॉर यूर हॉर्स और मेरा घोड़ा मतलब तुम्हारा घोड़ा मुझे दे दो और मेरा जो गधा है तो ले सकते हो बोला टुक द डंकी भोले भोला ने क्या करा वो यानी गधा लिया ही वॉक और चला है फ्यू यार्ड्स कुछ पर कुछ मतलब कुछ आगे गया था ही सा उसने देखा ए वुमेन एक औरत विद ए शिप एक भेड़ के साथ मतलब एक औरत को उसने देखा भेड़ के साथ में खड़ी थी ही थॉट उसने सोचा हिज वाइफ उसकी पत्नी वुड लाइक टू हैव ए शिप उसकी जो पत्नी अगर शिप को देखेगी भेड़ को देखेगी ज़्यादा प्रसन्न होगी इन प्लेस ऑफ डंकी इस गधे की जगह अगर गधे की जगह अगर वो शिप यानी भेड़ को ले जाता है तो वो ज़्यादा अधिक प्रसन्न होगी सो इसलिए ही वेंट अप वो चला गया टू द लेडी उस लेडी के पास वो चला गया बोला हेलो भोला बोलता हेलो प्रेटी लेडी वो उस लेडी से नमस्ते करता है वुड यू लाइक टू गिव क्या तुम देना चाहोगी यूअर शिप तुम्हारे भेड़ को इन एक्सचेंज बदले में फॉर दिस डंकी मेरे गधे के बदले में तुम अपने भेड़ को देना चाहोगी द वुमेन औरत ओ अरे विद ग्रेट प्लेजर ये तो बहुत अच्छा उपाय है यू कैन हैव माय शिप तुम मेरे भेड़ को ले लो इन एक्सचेंज बदले में फॉर दिस डंकी और इस मतलब इस गधे के बदले तुम मेरे भेड़ को ले सकते हो तो मैंने आपको पार्ट वन बस इतना ही पढ़ाऊंगी इसके बाद अगला जो पार्ट टू रहेगा वो आपको मैं अगले क्लिप में बताऊंगी लेकिन आप इतना पढ़ना और इसको समझना ये लेसन किस बारे में है और अच्छे से पढ़ना अच्छे से समझना और बाकी जो लोग हैं मुझे काम पूरा कंप्लीट करके बताएंगे और लेसन वन का जो बाकी रहा है मैं आपको डाल दूंगी इस क्लिप में ठीक है ना ओके बाय थैंक्स